गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर, धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं और अभी मैं किचन में आई थी दाल भिगाने के लिए, क्योंकि आज मुझे दोपहर को बनानी है लौकी और चने की दाल की सब्जी। तो अभी मैंने यहाँ पर दाल भिगाई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल भिगा दी है अच्छे से, और ये आधी कटोरी के करीब है जो मैंने घर पर पिसवाए थे चने, उसकी दाल है। तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और देखिए किचन मेरा पूरा क्लीन, और तारक के पापा भी यहाँ पर देखो लेटे हुए हैं। लेट जाओ कोई बात नहीं। और सारा काम हो गया है अच्छे से देखिए, और अभी बारिश नहीं आ रही है शायद, तो अभी के लिए तो सारा काम हो गया है। तो अब हम दोनों आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ देख रहे हैं फोन में। और मुझे ये सोफे के कवर भी वॉश करने हैं, पर बारिश की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही बारिश रुक जाएगी और थोड़ी सी भी धूप निकलेगी तो मुझे ये सोफे के कवर भी अच्छे से वॉश करने हैं, और एक जोड़ी नया कवर भी लाना है। सुनते हो आप? एक जोड़ी सोफे के कवर भी लाने हैं, क्योंकि अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, सावन का महीना आएगा, सारे ही त्यौहार आएंगे। तो चलो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो थोड़ी देर बैठते हैं हम दोनों, काम तो हो गया है। और टाइम देखिए कितना हुआ है, 9:30 बजे है, और घर का सारा ही काम निपट गया है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में बने रहना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी हम दोनों यहाँ पर आराम से बैठे हैं और बारिश देख रहे हैं। बारिश आ रही है, मैंने अभी आपको बताया कि बारिश नहीं आ रही है, और शायद बारिश ने सुन लिया होगा तो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अब तो परेशान हो गए, क्योंकि 10 या 11 दिन हो गए होंगे। क्यों? बहुत ही बहुत अब परेशान हो गए, धूप ही नहीं देखी हमने इतने दिनों से। 12-13 दिनों के दिन हुए है पर हमने धूप नहीं देखी, और पूरा ही घर और बाहर किच-किच और मच्छर और ये सारे ही कीड़े निकलते हैं। तो बहुत ही दिक्कत हो रही है सभी को, हमें नहीं सभी को हो रही है। और बातें तो होती रहेगी, तो मुझे आज नींद आ रही है बहुत, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे होटल का खाना नहीं खाना, मैं घर पे बना रही हूँ। इतनी भी ज्यादा मैं बीमार नहीं हूँ, खाना बना सकती हूँ। मुझे नींद आ रही है, रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई, क्योंकि आज धारा रात को बहुत बार उठ रही थी, बार बार, और कुछ बड़बड़ आ रही थी, पापा मुझे जाने दो। वो नदी घूम रही थी दिमाग में, और फिर रो रही थी। 3 से 4 बार धारा रात को उठी थी, तो इसके धारा के चक्कर में मुझे नींद नहीं आई। तो चलो, तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। आज खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सब्जी रोटी और सलाद ही बनाऊँगी। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आगे मैंने आपको बताया था, मुझे नींद आ रही है, और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है, सिर भी भारी है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है पता है? मेरे आँखों में जलन हो रही है, और आँखों में से पानी सुबह से निकल रहे है, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है क्या नहीं वो पता नहीं, ये मौसम की वजह से हो रहा है पता नहीं क्यों, आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है। तो आज अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, और थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रही है। और अभी भी आप देख सकते हो, अब तो मेरे गले में भी दिक्कत हो रही है, गले में भी खराश हो रही है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो फटाफट पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर जाऊँगी धारा को लेने। तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मुझे गले में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। Oh, oh, oh.
सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है और रोटी भी मैंने साथ के साथ बना ली। तो यहाँ पर है रोटी और मैं अक्सर इसे कॉटन के कपड़े में ही बांध के रखती हूँ लपेट के, जिससे कि ये गर्म रहे और खाने में भी सॉफ्ट रहे। और तो अभी मैंने इसे प्रेस रोल में रख दिया है। और यहाँ पर है ये सलाद और किचन भी मैंने हाथ के हाथ पूरा ही क्लीन कर दिया है, देखिए। और जितने भी बर्तन हुए थे वो मैंने सारे ही साफ कर दिए, क्योंकि आज दीदी नहीं आने वाले हैं बर्तन करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को भी मुझे ही बर्तन साफ करने हैं। तो अभी मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और तवा मैंने छोड़ दिया है, वो मैं दोपहर को साफ करूँगी, क्योंकि गर्म तवा कभी भी साफ नहीं करना चाहिए, तो वो मैंने छोड़ दिया है। बाकी के जितने भी बर्तन थे वो मैंने अच्छे से साफ कर दिए, सिंक भी अच्छे से साफ कर दी। तो अभी के लिए तो मेरा किचन क्लीन है और दोपहर का खाना भी बन गया है। तो अभी मैं जाऊंगी धारा को लेने स्कूल। और देखिए टाइम कितना हुआ है, 12:15 बजे है। तो अभी मैं फटाफट कपड़े चेंज करूंगी और जाऊंगी धारा को लेने। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने। अभी धारा स्कूल से आ गई है और मेरी आज तबीयत बहुत ही ख़राब है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा सिर इतना भारी हो गया है कि पूछो ही मत, और मुझसे ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर लेट गई हूँ और धारा के पापा अभी नहीं आए हैं, थोड़ी देर राह देखती हूँ वरना फ़ोन करूँगी कि कब तक आएंगे, क्योंकि धारा को भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि मेरा सिर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया है और मुझे आज चक्कर भी आ रहे हैं। अभी भी मुझे नींद आ रही है और आज मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो। मैंने दोपहर का खाना पीना किया, बर्तन किए, उसके बाद सीधे ही कमरे में आ गई थी और लेट गई थी। शायद 2:15 बजे थे, तब से मैं सोई हुई थी। अभी शाम के 6:30 बजे है, अब जाकर मेरी नींद खुली है। और तबीयत में तो ये है कि मुझे गले में दिक्कत हो रही है और आँखों से पानी ही निकलते हैं, आँखों में बहुत ही जलन हो रही है और ये मेरा सिर है ये पूरा ही भारी भारी हो गया है। तो इसकी वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और ऐसा ही लगता है कि मैं लेटी रहूं और उठूँ ही ना, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है। और अभी धारा भी सो रही है, देखिए धारो ए धारो यारो। और अभी मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है बारिश की वजह से, तो बहुत ही नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी, तो पता ही नहीं चला 6:30 कब बज गए और धारा के पापा कब गए दुकान, वो भी मुझे पता नहीं है। तो चलो धारा को भी उठाती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो रात का खाना हो गया है हमारा, इन दोनों को ही खाना था, धारा को और उनके पापा को। तो दोपहर की सब्जी रखी हुई थी और मैंने रोटी बना दी, तो इनका खाना पीना हो गया है और मैंने 1 कप चाय पी है और फिर मैंने दवाई भी खाई है। ये जब दुकान से आए तो दवाई लाए थे, तो अभी के लिए तो दवाई खाई है, देखती हूँ सुबह तक फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ तो मैं जाऊँगी कल डॉक्टर के पास, क्योंकि आज सुबह से ही मेरी ऐसी हालत है, एक ही दिक्कत हो रही है मुझे, यहाँ पर बहुत ही दर्द हो रहा है सिर में। मैंने तेल मालिश भी की है शाम को, जब मैं 6:30 बजे उठी तो पहले मैंने यही काम किया, बालों में अच्छे से तेल लगाया, तेल मालिश की, फिर भी कोई फर्क नहीं हो रहा है और आँखों में जलन हो रही है और पानी ही निकल रहे हैं, बस यही दिक्कत हो रही है। और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा ही लगता है कि मैं सोती रहूँ उठूँ ही ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और खाने का तो कोई मन ही नहीं हो रहा है। तो अभी तो बस ये हालत है। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ और नई नई बातों के साथ। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।